नमस्कार बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैशटैग टीवीटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं अनामिका फिर आप लोगों को मैथ क्लास में आप लोगों को स्वागत करते हुए क्लास का शुभारंभ करती हूँ। आज मैं वर्ग 8 के सब्जेक्ट मैथ पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने इसके पहले पढ़ा चुकी हूँ पॉलीगॉन, जिसको कि बहुभुज बोलते हैं। इसी बहुभुज के अंदर आता है चतुर्भुज, जिसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये एक्चुअली होता ऐसा है कि हम लोग पॉलीगॉन में दो तरह का पॉलीगॉन पढ़े थे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। हम इसके पहले बताए थे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में, और फिर अभी बता रहे हैं कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वैसा बहुभुज जिसका कि एक कोण, कोई भी एक कोण 180 डिग्री से कम हो तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। लेकिन जब हम लोग पॉलीगॉन में किसी एक कोण को 180 डिग्री से ज़्यादा हम देखते हैं, ज़्यादा है, तो वो जो भी बहुभुज होगा वो कैसा बहुभुज कहलाएगा, अवतल बहुभुज, जिसको कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जैसे कि ये चतुर्भुज हम देख रहे हैं, इसके सभी कोण 180 से छोटा है, तो हम लोग इसको कैसा बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को ही पढ़ेंगे, हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग कॉनकेव पॉलीगॉन का अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल, जिसको कि चतुर्भुज बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक चतुर्भुज बनाया है ABCD। यहाँ पे अब क्या देखेंगे, इस ABCD में चार भुजाएं हैं, चार कोण हैं, दिख रहा है सबको, चार भुजाएं हैं और चार कोण हैं, चार भुजाएं, चार कोण, और इसमें चार शीर्ष भी हैं। ये क्या है, चार शीर्ष हैं, और इसमें दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण हैं, दो विकर्ण होते हैं, और दोनों विकर्ण क्या होता है, कोई एक पॉइंट पे क्या होता है, कटता है। हम लोग इसके पहले कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का ये भी परिभाषा बताए थे, जब कोई बहुभुज का अगर हम विकर्ण खींचते हैं, अगर वो विकर्ण उस चित्र के बाहर कटता है, बाहर चला जाता है, तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा। लेकिन जब वही चतुर्भुज या वही पॉलीगॉन में अगर हम कोई विकर्ण खींचते हैं, खींचने के बाद देखते हैं कि वो विकर्ण चतुर्भुज के अंदर ही है या पॉलीगॉन के अंदर ही है, तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। तो ये भी परिभाषा दिए थे, और जो आज दिए वो भी परिभाषा है। तो अब हम लोग चतुर्भुज को तो हम लोग देख लिए कि चार भुजाओं के का ऐसा मिलने के बाद, चार भुजाओं को मिलाने के बाद एक ऐसा क्षेत्र बनता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। और अंतः कोणों का योग, इसके पहले हम लोग बता चुके हैं, अंतः कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, अब और विकर्णों की संख्या। हम लोग अगर नहीं जानते हैं पॉलीगॉन का कितना अंतः कोणों का योग क्या होगा, नहीं जानते हैं हम ये चतुर्भुज का, नहीं जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, 2 × (n-2) × सम कोण। इस पिछले क्लास में इसका प्रूफ बता चुके थे। तो यहाँ पे n अगर 4 है, चूँकि चतुर्भुज है 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × (4-2) × 90। समकोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो 2 × 2 × 90 = 360 डिग्री, 360 डिग्री क्या निकल गया, अंतः कोणों का योग 360 डिग्री। फॉर्मूला क्या है, 2 × (n-2) × सम कोण।
बाह्य कोणों का योग भी हम लोग बताए थे, कोई भी सेप हो बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 4 × सम कोण, तो 4 × 90 मतलब 360। विकर्णों की संख्या, अब हम लोग आते हैं विकर्णों की संख्या। यहाँ पे विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n × n-3/2। यहाँ पे n का वैल्यू होता है 4, 4, 4-3/2 का मतलब क्या हो गया, 4 × 1/2 मतलब क्या हो गया, 2। विकर्णों की संख्या 2। अगर हम लोग को भुजा मालूम हो तो हम लोग विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं, अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं और बाह्य कोणों का योग निकाल सकते हैं। इसके बाद हम इसके बारे में चतुर्भुज के विभिन्न तरह के चतुर्भुजों के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।